मुरादाबाद के जिला अस्पताल की ओपीडी में मानसिक रोग दिवस के चलते लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक विशेष जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे लगभग 100 से भी अधिक मानसिक रोगियों का चेकअप कर उन्हें दवाई दी गई। जिला अस्पताल के एडिशनल CMS डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि हर 100 लोगों में एक व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है, लेकिन वह अपना इलाज नहीं कराता। लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश कुमार गुप्ता के साथ डॉक्टर सुभाष, अन्य बीमारियों से संबंधित डॉक्टर्स के साथ जिला अस्पताल का पूरा स्टाफ पहुंच रहे मरीजों की जांच के साथ उन्हें दवाएं देने का काम कर रहा है। इस मौके पर डॉक्टर शकील, डॉक्टर AQ अंसारी, स्टाफ नर्स मीना कुमारी, रीमा यादव सहित बड़ी संख्या में जिला अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। CMS डॉक्टर NK गुप्ता और एडिशनल CMS डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने सभी नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर आस पड़ोस या परिवार में कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। ऐसे मानसिक रोगियों के लिए सभी इलाज व दवाएं भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार गुप्ता। डॉक्टर? लोकेश कुमार गुप्ता। डॉक्टर, ये आज क्या चल रहा है कैंप? आज हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। ये प्रत्येक साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 10 से 16 तक आज 12 है तो हम मना रहे हैं। इसमें मरीज इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य है वो जनता को जागरूक करना है मेंटल डिजीज के प्रति, ताकि वो आए वो इलाज करवा सकें। हिंदुस्तान में 7 में से 1 मेंटल पेशेंट है, लेकिन आते नहीं है, तो उनको जागरूक करने के लिए कैंप इस तरह का लगाया है। थैंक यू जी। आज क्या किस लिए कैंप लगा हुआ है? हमारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, 18-10 तारीख पर, लेकिन बारिश की वजह से आज मनाया। तो कितने पेशेंट देखे जा चुके हैं अब तक? 65 पेशेंट हो चुके हैं बीपी शुगर के, और 14 पेशेंट ये पीड़ित तो सिगरेट यूजर के हो चुके हैं, पेशेंट है उधर का सर को बताओ कर। सर, आज एक कैंप लगाया गया है, किस संबंध में है? सर, ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह चल रहा है। इस सप्ताह में मानसिक रोगियों के लिए विभिन्न प्रकार के कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें उनके उपचार, बचाव और हर तरह की जानकारी दी जाए, जिससे मानसिक रोगियों को लाभ मिले और मानसिक रोग से बचा जा सके, उसी विषय में ये कैंप लगाया गया है और मरीज वहाँ आ रहे हैं, उनको जानकारी दी जा रही है।